दोस्तों, अगर आप टमाटर और मिर्च की खेती करते हैं या आलू की खेती करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि लीफ कर्ल वायरस का अटैक इन तीन फसलों में सबसे ज़्यादा आता है और इसका बहुत ही शानदार उपाय मैं बताऊंगी, तरीका मैं बताऊंगी, दो तीन तरीके से कि कैसे आपको करना है। इससे घबराइए नहीं। जब भी ये डिजीज आती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि ये फसल ख़राब हो चुकी है, लेकिन इससे रिकवरी हो जाती है। हमारी फसलों में क्या उपाय करना है वो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो ये इस तरीके से जब पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं और पीली हो जाती हैं, पत्तियाँ या तो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं या फिर नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। अगर ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं तो थ्रिप्स और एफिड्स का अटैक होता है, और अगर नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती है तो माइट्स का अटैक होता है। वाइट फ्लाई की वजह से या शकिंग जो भी पेस्ट है, इनकी वजह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ये बहुत जल्दी फैलता है, जिसे मरोड़िया रोग कहते हैं या लीफ कर्ल वायरस रोग कहते हैं। इस लीफ कर्ल वायरस रोग की वजह से नुकसान क्या होता है? एक तो प्लांट की ग्रोथ ही रुक जाएगी, पत्ते बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं या नीचे की तरफ मुड़ते हैं, फ्लावर्स आएंगे नहीं, और एक दो फ्लावर आए तो भी वो ड्रॉप हो जाएंगे, फल नहीं बनेंगे, और फल एक दो बन भी गए तो वो प्रॉपर साइज में नहीं बनेंगे, छोटी या टेढ़ी मेढ़ी साइज में बनेंगे। तो ये इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि यह वायरस जनित डिजीज़ है, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैलने में टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी पूरे प्लॉट में फैल जाती है। तो ये इसके नुकसान हैं। अगर सिंपल तरीके से इसका उपाय देखें, ट्रीटमेंट देखें, तो इसका बहुत ही अच्छा उपाय है। प्लॉट में जब एक दो प्लांट में यह डिजीज आती है तो उनको उखाड़ के दूर फेंकना चाहिए या फिर मिट्टी में दबा देना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा हो चुका है आपके प्लॉट में, बहुत सारे प्लांट्स में हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में प्लांट्स नहीं उखाड़ सकते। इसके लिए यूज करना है दोस्तों लाइसोरस, इसके अलावा किसी का भी यूज नहीं करना है। सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, हमने लाइव इसके रिजल्ट देखते हैं, हर बार हम इसको यूज करते हैं, जब भी हमारे अगर फसल में आ जाती है तो इसको यूज करते हैं, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके बेनिफिट क्या है? लाइसोरस के बेनिफिट देखें तो एक तो ये बैक्टीरिया को किल करता है, वायरस जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे फैलते हैं तो ये फैलने नहीं देता, स्टॉप कर देता है वहीं पे। दूसरा, जो वायरल संक्रमण है उसको नष्ट करता है। प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों ही तरीके से काम करता है। 100% टॉक्सिक फ्री प्रोडक्ट है, तो ये इसके बेनिफिट है। यूज कैसे करना? जब भी आप इस प्रोडक्ट को लाएंगे, इस पैकेट को ओपन करेंगे, तो इसमें दो पैकेट मिलेंगे, दो छोटे छोटे से डिब्बे मिलेंगे, एक में होता है एक्टिवेटर और दूसरे में लाइसोरस। तो इन दोनों को क्या करना है, एक जगह मिक्स करना है, एक पैकेट में ही इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद में 100 लीटर पानी में अच्छे से घोल तैयार करना है और फिर अपनी फसलों में स्प्रे करना है। लेकिन विशेष सावधानी ज़रूर ध्यान रखें कि इसके स्प्रे से कम एक वीक पहले आपको कुछ भी यूज नहीं करना है, ना ही कोई फंगिसाइड, ना ही कोई इंसेक्टिसाइड, कुछ भी यूज नहीं करना है, और एक वीक बाद में भी आपको कुछ यूज नहीं करना है, यानी कोई स्प्रे नहीं करना है, ना किसी फंगिसाइड का, ना किसी इंसेक्टिसाइड का, कम से कम एक वीक, नहीं तो आप बेस्ट रिजल्ट के लिए 10 दिन तक यूज ना करें, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लीफ कर्ल वायरस का सबसे तोड़ और सबसे असरकारी इलाज यही है लाइसोरस, इसके अलावा दोस्तों और कुछ भी नहीं है। इंसेक्ट का प्रकोप बहुत ज़्यादा है तो आप इसके स्प्रे के कम से कम एक वीक, नहीं तो 10 दिन बाद में किसी भी इंसेक्टिसाइड का यूज कर लें। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप सोलोमन इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं। वायरस को अगर ख़त्म करना है तो लाइसोरस को ही यूज करना है। और भी कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।